नमस्कार दोस्तों, मैं सिवान सूरज टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे हमारे पास में Xiaomi EU अपडेट का जो सो नया लेटेस्ट अपडेट आ चुका है 9.12.26, ये देख लीजिए आप, लेटेस्ट है और इसको जो मैंने फ्लैश भी कर लिया, लेकिन इसमें जो कुछ जो सो दिखते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला, तो आप वीडियो में पूरा का पूरा जरूर से देखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9.12.26 वीकली अपडेट है ये, और इसके जो सो फ्लैश करने का जो सो मेथड है वो मैंने कई सारे अपलोड कर रखे, तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, चलिए एंड्रॉयड बेस की मैं बात करता हूँ दोस्तों, एंड्रॉयड 10 है लेटेस्ट है और सभी जो एंड्रॉयड 10 पे ही आ रहे हैं। और सिक्योरिटी पैच की मैं बात करता हूँ दोस्तों, एंड्रॉयड वर्जन आप देख लीजिए और सिक्योरिटी पैच जो सो आपको 11 का मिल रहा है, मतलब कि नवंबर का मिल रहा है, ठीक है, तो दिसंबर से एक महीना पुराना वाला सिक्योरिटी पैच यहाँ पे है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें नया है। तो दोस्तों नया तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं आया है, कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी जो अपडेटेड है उसको जो सो फिक्स किया गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स न्यू में जाता हूँ तो वर्ड्स न्यू के अंदर में आप देख सकते हैं नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, क्योंकि जो सो हर बार जो सो टोटली डाउनलोड करके क्लीन फ्लैश करना पड़ता है, तो आपको जो सो चेंज लॉग जो सो ऐसे नहीं दिखेगा। चेंज लॉग मैं बता देता हूँ आपको, जो नोटिफिकेशन सेट्स की मैं बात करूँ दोस्तों, कई दफ़ा जो सो नोटिफिकेशन सेट्स में जो दिखती थी उन चीज़ों को फिक्स कर दिया गया, जैसे कि ब्राइटनेस में हो गया, ब्राइटनेस को कई बार अनरिस्पॉन्सिवनेस आ जाता था तो वो चीज़ें फिक्स किया गया है। उसके बाद में जो सो मल्टी टच घोस्ट टच की बात करते हो वो चीज़ों को फिक्स किया गया है, और फ्रेमवेयर को भी फिक्स किया गया है। तो ये तो सारे हो गए हमारे चेंज लॉग। दोस्तों अभी भी फिलहाल 2-3 बग है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप इसको कई दफ़ा अनलॉक करेंगे और लॉक करेंगे तो आपको क्या होगा कि कई बार ये जो सो चीज़ें आने में लेट लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है होम स्क्रीन पे आने में, ठीक है। उसके बाद एक जो सो मेनली बग जो सो मेरे को बहुत अनॉइंग से लगता है वो है कैमरा का। दोस्तों कैमरा में जब भी आप वीडियो कैम के अंदर में जाते हैं, वीडियो कैम में आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो सिंपली रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन जैसे ही आप लाउड ऑडियो में, जैसे कि मैं कल परसों जो पार्टी हुआ था एक जन को, तो मैंने उसमें जो पार्टी में काफ़ी टाइम तक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो वो मुझे बाद में पता चला वो कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं एकदम लाउड साउंड पे तो वो वीडियो जो है एकदम अजीब सा हो जाता है साउंड। या मैं आपको यहाँ पे एक बार सुनाता हूँ, ये देखिए, तो आपने देखा ये जो सो एक इस तरीके से साउंड हो जाता है कि वो कोई यूजेबल वीडियो रहता नहीं है। हालांकि इसमें जो आपको बाकी सारी चीज़ें काम कर रहा है, वर्किंग है, जैसे कि अगर मैं स्लो मोशन की बात करूँ दोस्तों, स्लो मोशन है नहीं यहाँ पे, आपको स्लो मोशन आपको जो सो ANX कैमरा के अंदर में मिलेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि ANX कैमरा डालने के बावजूद भी ये वीडियो में ये प्रॉब्लम होता है। तो ये जो सो बेसिकली मेनली मेरे को लगता है ये इनकोडिंग के अंदर में ही दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर में जब आप गूगल कैम अगर डाल देते और गूगल कैम के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अगर लाउड साउंड पर, तो आपको इसी तरीके से डिस्टॉर्टेड साउंड मिलेगा, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड में अभी भी फिलहाल बग है कि पोर्ट्रेट मोड में क्लिक तो हो जाता है लेकिन वो सेव नहीं हो पाता है पोर्ट्रेट में, तो ये चीज़ें दिक्कत अभी भी आपको फिलहाल यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। हाँ, इसके बदले आप जो सो ANX कैमरा यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर में आपको थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट जो सो फिक्स कर दिया गया है और साथ ही साथ में आपको स्लो मोशन भी मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा इस रोम के अंदर में आप मेरे को क्या क्या चीज़ें फील बढ़िया लगा तो वो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों टच जो सो थोड़ा बहुत पहले से हल्का सा जो सो ज़्यादा स्मूथ हो गया है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ इससे जो पुराना वाला 19 वाला जो सो हमारा अपडेट था उससे इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है टच के अंदर में, और मेरे को घोस्ट टच इशू जो 19 में बहुत मिल रहा था, मतलब 0.19 वाला जो अपडेट था उसके अंदर में बहुत घोस्ट टच इशू था, तो इस वजह से मैं जो सो कस्टम रोम पे स्विच कर लिया था, तो इस वजह से वो चीज़ें मेरे को यहाँ पर अभी तक फिलहाल देखने को नहीं मिला। हाँ, एक दो बार जो सो टच होता है, मेनली टच मेरे से क्या दिक्कत होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हम यहाँ पे गए किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, तो सर्च में जब जैसे मैं टाइप करता रहूँगा तो सडनली कहीं और टाइप हो जाता है और कुछ से कुछ हो जाता है, ओपनली हो जाता है, तो वो मेरे को बड़ा अनॉइंग सा लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मेरे को यहाँ पर मेनली देखने को मिला इस रोम के अंदर में, बैटरी ड्रेनिंग। दोस्तों इस रोम के अंदर में बैटरी ड्रेनिंग इशू जो सो मुझे लग रहा है, क्योंकि बैटरी जो सो 100% टू डाउन होने में बहुत कम टाइम लगा। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करो दोस्तों, बैटरी जो सो बहुत अच्छे से इसमें ऑप्टिमाइज नहीं है इस रोम के अंदर में, तो आई थॉट मैं जो सो अल्टर कर्नल पे जब इसे स्विच करूँगा उसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे से आइडिया दे पाऊँगा कि कौन सा कर्नल अच्छा है। फिलहाल के लिए इसके अंदर में जो सो MIUI वाला MIUI 3.0 NVT3 वाला ये जो सो कर्नल डला हुआ है, ठीक है, और ये जो सो टच इशू को सॉल्व आउट करने के लिए ये वाला कर्नल डला हुआ था इसके अंदर में। और जो मैंने ये टच इशू फिक्स करने के लिए जो मैंने ये फ्लैश किया था, एक टच फिक्स वाला जिप फाइल आया था, उसके बाद में ज़्यादातर के अंदर में ये NVT3 ऐसे करके लिखा हुआ आ जाने लग गया है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे अर्टर कर्नल के ऊपर मैं जाके देखता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड रिव्यू आपको इसके बारे में दे पाऊँगा। फिलहाल के मेरी तरफ से दोस्तों कुछ चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। पहला तो बैटरी ड्रेनिंग इशू है इस रूम के अंदर में, मेरे को लग रहा है टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है। स्मार्ट टच स्मूथ है, कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग में अभी भी बग है। हाँ, कई दफ़ा जो आपको जो स्टेटस बार के अंदर में आपको जो डुअल वाला और वो ब्लैक वाला जो दिक्कत आने लग गया है, ठीक है। तो कभी बार जो सो पूरा का पूरा स्टेटस बार जो सो ब्लैक हो जा रहा है, नोटिफिकेशन डाउन करने पे कई बार जो सो ये हमें जैसे भी ब्राइटनेस कंट्रोल हो रहा है तो अगर ज़्यादा हीट हो जाता है हमारा फ़ोन उस टाइम पे जो सो ब्राइटनेस कई बार काम नहीं करता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अनलॉक करने के बाद में आपको ब्राइटनेस एकदम डिम ब्राइटनेस आ जाता है, तो वो फिक्स कर सकते हैं, आपके पास में एक ब्राइटनेस फिक्स जिप मिल जाएगा उससे, लेकिन स्टिल वो थोड़ा बहुत बग मुझे लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका इशू इनिशियल रिव्यू। फिलहाल दो दिनों के अंदर में यूज़ करने के बाद में जो मेरे को ये रिव्यू लगा वो ये सब लगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट जी हाँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके लिए इस तरह से नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम।